अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद सुमैया सिद्दीकी। आज हम अपनी किचन में बनाने जा रहे हैं इमली की खट्टी मीठी चटनी। तो इसके लिए हमने यहाँ पे इमली का पल्प ले लिया। 100 ग्राम हमने इमली ली थी और उसमें 100 ग्राम पानी डाल के हमने 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था और फिर उसका पल्प निकाल लिया है। और यहाँ पर हमने 3 टेबल स्पून शुगर ली है और हमने यहाँ पर 75 ग्राम लिया है गुड़। और यहाँ पे हमने 1/2 इंच अदरक का पीस लिया था, उसे कद्दूकस करके ले लिया है। यहाँ पे 1/2 टीस्पून हमने वाइट वाला सॉल्ट लिया है और यहाँ पे हमने ब्लैक सॉल्ट लिया है 1/2 टीस्पून, 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा कम है हमारा हींग। और यहाँ पे हमने ज़ीरा लिया है 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून हमने भुना कुटा ज़ीरा लिया है और हमने 1/4 टीस्पून लिया है ब्लैक पेपर पाउडर। इसमें 1.5 टेबल स्पून ऑयल डाल लेंगे। ऑयल को थोड़ा सा गर्म हो जाने देंगे। ऑयल हमारा हल्का गर्म हो गया है तो इसमें सबसे पहले जीरा डाल देते हैं। जीरे को हल्का सा तड़कने देंगे। अब इसमें हम हींग डाल देंगे। और ये अदरक ली थी कद्दूकस करी हुई, ये डाल देते हैं। टेन सेकंड के लिए से ऐसे ही छोड़ेंगे। अब इसमें हम इमली का पल्प डाल देंगे सबसे पहले। साथ हम इसमें डालेंगे गुड़, चीनी और ये सारे जो हमने ड्राई मसाले ले रखे हैं, नमक, रेड चिली पाउडर वगैरह सारे डाल देंगे। और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब इसे हम मीडियम टू स्लो फ्लेम पे कुक होने देंगे। चटनी को हमारी पकते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं मीडियम टू स्लो फ्लेम पे। गुड़ एकदम हमारा इसमें मिक्स हो चुका है और आपको दिखाते हैं। अभी चटनी को 1-2 मिनट हम और कुक करेंगे, फिर इसे सर्व करेंगे। 2 से 3 मिनट हमने इसे और कुक कर लिया है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। ये ठंडी होने के बाद और थिक हो जाएगी। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। हमारी इमली की चटनी बनकर तैयार है। इमली की खट्टी मीठी चटनी आप हमारी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताएँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।